अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, आप सब लोग को वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उस्मान मैक्स टीवी में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक अच्छी खुशखबरी आपके साथ शेयर करूंगा, और आज की अच्छी खुशखबरी है सऊदी अरब से रिलेटेड। सऊदी हुकूमत जवाजात की तरफ से उन सब भाइयों के लिए जो कि अपने मुल्क में फंसे हुए हैं और माली हालात के सबब वो तीसरे मुल्क में क्वारंटाइन का सोच भी नहीं सकते और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डायरेक्ट फ़्लाइट्स का हुक्मनामा जारी होगा सऊदी अरब से, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और 8 ममालिक शामिल हैं जहाँ पे सऊदीया ने डायरेक्ट फ़्लाइट्स की पाबंदी लगाई हुई है। तो वो सब के सब इसी इंतज़ार में हैं कि कब हुक्मनामा जारी हो और वो वापस अपने काम पर आ सकें। तो उन सब भाइयों के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, और यकीनन इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द और भी खुशखबरियाँ आएंगी जिसके तहत वो ये भी सुनने को मिलेगा कि अगर उन्होंने वो वैक्सीन जो कि सऊदीया ने अप्रूव की हुई है वो लगा ली है अपने मुल्क में, तो अब वो सऊदीया आ सकते हैं बग़ैर किसी किस्म के तीसरे मुल्क में क्वारंटाइन किए हुए। आज सऊदी गज़ट ने एक न्यूज़ शेयर की जिसके मुताबिक जवाजात की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है कि फ्री एक्सटेंशन, मतलब कि इकामा जिनके एक्सपायर हो रहे थे उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है। इसके अलावा एग्ज़िट री एंट्री वीज़ाज जिनके एक्सपायर हो रहे थे उनकी भी एक्सटेंशन कर दी गई है 30 नवंबर तक, और 30 नवंबर तक एक्सटेंशन बग़ैर किसी किस्म के चार्जेस की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट की गई है, और सऊदी हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया है। तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर उसमें देर सवेर हो भी जाती है तो सऊदी हुकूमत कर देगी इसको एक्सटेंड बग़ैर किसी चार्जेस के, आपको इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। ये फ्री एक्सटेंशन का हुक्मनामा जारी किया है किंग सलमान की तरफ से, और किंग सलमान और उनकी हुकूमत ये इस बात को बराबर करा रही है कि परदेसी भाई बिल्कुल परेशान ना हो, मुश्किल हालात में वो उनके साथ हैं, और इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द बहुत अच्छी और खुशखबरियाँ भी आएंगी। जो ममालिक इस ट्रैवल बैन में शामिल हैं उसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, ब्राज़ील, इथोपिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और लेबनान शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक मरतबा याद दहानी करा दी है कि वो सब के सब परदेसी भाई जो कि सऊदीया से दो डोजेज़ लगा के छुट्टी पर गए हुए हैं और उनका इकामा वैलिड है तो वो वापस आ सकते हैं सऊदी अरब बग़ैर किसी किस्म का क्वारंटाइन तीसरे मुल्क में किए हुए। तो उनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स की एंट्री आ गई है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ख़बर का इंतज़ार है कि अगर आपने अपने मुल्क में, मतलब जिन पर ट्रैवल बैन लगा हुआ है वो, अगर वहाँ पर भी आपने वैक्सीन वो वाली लगाई है जो सऊदीया ने अप्रूव की है, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स अब ओपन हो जाएंगी मतलब सऊदी अरब के लिए। और इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जल्द अज़ जल्द ये खुशखबरी भी इंशाल्लाह सब लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अगर आपको मेरी ये न्यूज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी ही न्यूज़ आप टाइम पे लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सब भाइयों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।